दिलाते हैं, और दूसरे जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हैं किन किन फेसेस में हो रहे हैं और पुंछ का क्या है? देखिएगा, जैसे कि आप सबको पता है कि पुंछ में अब जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो अब हमारे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें हमारा जो पुंछ और सुरनकोट, हमारी जो दोनों म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये पहले फेज में रखी गई हैं। और इसके लिए जो प्रोसेस है पूरी इलेक्शन की, ये कल से स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हमारे तरफ से जो RO और ARO अपॉइंट होने थे वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, और इसमें जो कल से वो ऑपरेशन हो जाएंगे। और कल से जो कोई भी कैंडिडेट जो पुंछ में या फिर सुरनकोट में कंटेस्ट करना चाहता है अपकमिंग म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में, वो अपना नॉमिनेशन कर सकता है। अगले एक हफ्ते तक इसमें नॉमिनेशन की प्रोसेस चलेगी, उसके बाद जो है स्क्रूटनाइज और विड्रॉल के बाद जो है हमारे फाइनल इलेक्शन जो है होंगे। तो मेरी पूरी पुंछ वासियों से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, सो दैट हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो एक वाइब्रेंट शेप में आ सकें, जो कि पिछले कुछ टाइम से इलेक्शन ना हो पाने की वजह से, फंड के कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ जो है डोरमेंट स्टेट में, या फिर बोल सकते हैं उसको थोड़ी सी नेग्लिजेंस स्टेट में चली गई थी। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से लिया गया है, सो दैट हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज हैं वो फिर से वाइब्रेंट बन सकें, और फिर से जो है जो लोगों की समस्याएं हैं, जो उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट कर सके और उसका एक बेहतर सोल्यूशन ला सके। सर, पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ऐसी कितनी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जहाँ पे ये इलेक्शन होने जा रहे हैं? पुंछ में हमारी एक म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपल काउंसिल है यहाँ पे हमारी पुंछ में, और एक म्यूनसिपल कमेटी है हमारी सूरनकोट में। तो कुल मिला के इन दो जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं अभी। और इसके बाद, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि हमारे इसके बाद पंचायत इलेक्शन जो है वो भी डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके बाद हमारी जो डिफरेंट पंचायत हैं उसमें भी इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी जो पुंछ के वासी हैं उनसे ये अपील है कि वो बढ़ चढ़कर इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, सो दैट हमारा एक जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हमारी एक जो जमहूरियत है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। सर, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है या कल से लगेगा? इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन की, जैसे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK ने अपनी जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में बताया था कि इसमें इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। इसमें हमारा पहले जो है म्यूनसिपल एरियाज में लगा था, लेकिन पंचायत इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ हमारे रूरल एरिया में भी लग चुका है। तो देखा जाए तो अभी हमारे अर्बन और रूरल दोनों एरिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। और मेरी ये भी सभी जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे भी, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्क में इंश्योर करें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो। और इसके अलावा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेचर्स हैं, उनसे भी हमारी ये अपील है कि वो हमारा कोऑपरेट करें कि किस तरीके से एक अच्छे माहौल में, एक शांतिपूर्वक तरीके से ये इलेक्शन हो सके।